बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से जो पेपर आपका एक कंपलसरी पार्ट है, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर ही हम बात करेंगे जो कि आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रश्नों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, हम कम से कम 30 प्रश्नों को लेकर के बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर संख्या एक से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर संख्या एक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है या किसका कथन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वह है अरस्तु। यहाँ पर जो भी अकॉर्डिंग वगैरह है ये आपको याद करते चलना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। इनको याद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग किसका है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, महात्मा गांधी। साइड में आपके आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और समाज कल्याण के लिए है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, रूसो। रूसो ने कहा है कि जो बालक है उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। अगर हम जॉन डीयूवी की बात करें तो यह प्रयोजनवादी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री दोनों थे, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी पुस्तकों की तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जैसे स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, एजुकेशन टुडे, ठीक है। इतनी सारी और भी हैं कई सारी, जैसे ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, द स्कूल एंड द चाइल्ड, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और भी कई सारी हैं, ठीक है। जो मेन थी वो मैंने बता दी, तो ये भी पूछी जा सकती हैं कि किसकी पुस्तकें हैं, तो आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? तो यह पेस्टोलॉजी का है। अकॉर्डिंग वगैरह आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आसानी से याद आ जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, वरना मैं बता देती। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, उपरोक्त तीनों, यानी अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। अगर हम दोस्तों बात करें औपचारिक शिक्षा की यानी फॉर्मल एजुकेशन की, तो यह जो शिक्षा होती है इसमें सब कुछ निश्चित होता है, जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी, और पाठ्यक्रम होता है निश्चित, पाठ्यक्रम निश्चित, समय सीमा, उपाधि कौन सी मिलेगी, पुस्तकें क्या होंगी, कहाँ से हम कौन सी शिक्षण पद्धति यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है, ये है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो यह इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, यानी ऐसी शिक्षा जो हम अपने घर, समाज, वातावरण, परिवेश में रह करके सीखते हैं, इसमें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें निरौपचारिक शिक्षा की, निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें ये निश्चित साधन होते हैं, ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी सामने हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, इसमें जो बालक होता है वह स्वयं सीखता है चीज़ों को देख करके, ठीक है, यह एक तरह से दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन टाइप की होती है, जिसमें बालक और शिक्षक आमने सामने ना होकर के भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो यह हो जाएगी निरौपचारिक शिक्षा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं? तो हमने बताया था औपचारिक शिक्षा के साधन विद्यालय होगा, ठीक है, संग्रहालय, पुस्तक, लेकिन जो परिवार होगा ये इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसमें 20 से 35 वर्ष के जो
व्यक्ति होंगे वो आ जाएंगे आयु वर्ग के, ठीक है। जबकि 6 से 14 वर्ष की बात करें तो यह औपचारिक शिक्षा, 11 से 14 भी औपचारिक और 10 से 18 भी औपचारिक में आएगा। और अनौपचारिक की बात करें तो 0 से 5 या 6 वर्ष होगी अनौपचारिक शिक्षा, यानी जो बालक अपने घर और वातावरण या समाज से सीखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? तो वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो यह वेदों से संबंधित है, यानी जो वेदों के अनुसार शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध, विनय, जो वैदिक साहित्य के शिक्षा के प्रमुख सार हैं, यानी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन सभी के द्वारा जो वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती है, तो यह वेदों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मदरसा का संबंध किससे है? मदरसा की बात करें तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो संस्कार होता था वो आपका बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म कहा जाता था, उसके बाद शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? तो वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो उपनयन संस्कार, यानी जो गुरु के समीप बैठकर संस्कार दिया जाता था यह उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार की बात करें तो प्रवेश के समय छात्रों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण छात्र की जो आयु थी वह 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र की आयु यानी जो ठाकुर लोग होते थे उनकी आयु जो होती थी वो 11 वर्ष, और वैश्य जो होते थे उनकी आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन संस्कार के बाद उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता था, छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण की आयु कितनी थी, तो 8 वर्ष, और उसके बाद क्षत्रिय की 11 और वैश्य की 12 वर्ष। तो ये भी चीज़ें आप याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड के घोषणा पत्र की बात की जाए तो यह 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ, या उस समय प्रकाशित हुआ जब समिति ने अपना सुझाव दिया और कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय सर चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया, ठीक है। और भी अगर हम बातें करें वुड की तो कुछ विद्वान जो हैं वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन की संज्ञा भी दी जाती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुड के घोषणा पत्र को किसकी संज्ञा दी गई है, तो ये आप बता दीजिएगा कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन जो है वुड के घोषणा पत्र को कहा गया, ये पूछ सकता है वैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है निस्पंदन सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया? तो अगर हम बात करें लॉर्ड मैकाले की तो इन्होंने ही 1835 में अपना विवरण प्रस्तुत किया जिसे निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जो मैकाले थे लॉर्ड मैकाले, इन्होंने सन 1935 में अपना प्रतिवेदन दिया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राधा कृष्णन आयोग की संततियां संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित थी? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये जो थे ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी, मुदालियर कमीशन।
अगर हम मुदालियर कमीशन की बात करें तो 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, कोठारी आयोग। दोस्तों अगर हम कोठारी आयोग की बात करें तो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी एस कोठारी थे, इसीलिए इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग नाम पड़ा। ठीक है, कोठारी आयोग कहा जाता है, कोठारी कमीशन भी इसे कहा जाता है, और इसका गठन 1964 से 66 के बीच हुआ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी, 1992। अगर दोस्तों हम बात करें संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की, तो आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ कि केंद्र की नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए। इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से प्रकाशित किया। सरकार ने कार्य योजना में कुछ भी परिवर्तन किए, जो कुछ भी परिवर्तन किया, इस परिवर्तित कार्य योजना को हम 1992 कहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 21 का वो है आंसर नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। यानी जो आचार्य राममूर्ति जी थे, इन्होंने 26 दिसंबर सन 1990 को अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की सिफारिशें पेश की। आचार्य राममूर्ति समिति को भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं? अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और वर्कले। ठीक है, सॉरी, वर्कले ही था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद शब्द आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है, जिसका आशय अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदर्शवाद है वह संसार का आधार मन को मानता है, जबकि भौतिकवाद जो है वह संसार का आधार पदार्थ में मानता है, यानी मैटर में देखता है। तो यही था आदर्शवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी, रूसो। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की, तो जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। कहने का मतलब जो प्राकृतिकवाद है वह पदार्थ को सब कुछ मानता है, मन को कुछ नहीं मानता है, यही मुख्य अंतर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी, स्पेंसर। अगर हम बात करें प्रकृतिवादी के समर्थकों में, तो अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लैमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका भी मैंने नाम बताया, रूसो, बर्नार्ड शाह, इतने लोग जो हैं वो प्रकृतिवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ
जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आएगा डी, अमेरिका में। प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म की, प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्रिया अथवा किया गया कार्य। अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। इसके आधार पर अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की, तो न यह तो अध्यात्म को मानता है, ना तो पदार्थ को ही मानता है। इसका कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके सामने प्रत्यक्ष उसका एग्जाम्पल पाते हैं, वही सत्य है, ठीक है? ये है प्रयोजनवाद। और अगर हम बात करें प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तकों की, तो प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीयूवी, ये तीन हैं। मेन प्रवर्तक सीबी पियर्स हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? यह स्वामी दयानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर की? तो इन्होंने बोलपुर जगह पे की थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये हमारे राधा कृष्णन की बात करें तो इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में कई सारी चीज़ों को बताया, ठीक है? आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट द्वारा आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।